उत्तर प्रदेश के बरेली में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। फेसबुक के माध्यम से दी गई धमकी में सिर तन से जुदा करने की बात कही गई है, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता भड़क उठे हैं। उन्होंने बरेली के आंवला कोतवाली में एक शिकायत पत्र दर्ज किया है। इस शिकायत पत्र में कहा गया है कि सनातन धर्म के गुरु पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की फोटो लगाकर अशोभनीय तरह से एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, जिसमें सिर तन से जुदा करने का ऑडियो भी लगा है। इस वीडियो से हिंदू लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और समाज के संगठनों में काफी आक्रोश। इसके चलते सैकड़ों की संख्या में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर आंवला कोतवाली परिसर में जमकर हंगामा किया। उन्होंने पुलिस अधिकारी से एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए आरोपी पर एक्शन की मांग की है। फिलहाल आपको बता दें, कोतवाली पुलिस ने धमकी देने के आरोप में फैज रजा नाम के शख्स के खिलाफ 505(2) धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है, मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। वहीं इस पूरे मामले से हिंदूवादी संगठन के नेता ने कहा कि फैज राजा ने फेसबुक पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का फोटो लगाकर उनका सिर तन से जुदा करने और अपशब्द लिखते हुए स्टेटस लगाया है। इसमें सिर तन से जुदा का गाना भी शामिल है। उसकी पोस्ट पर कुछ और लोगों ने अभद्र टिप्पणी की। इन सब हरकतों से माहौल खराब हो सकता है, इसलिए आरोपी पर सख्त एक्शन लिया जाए। खबरी चौखट की रिपोर्ट।